हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। जब एक लेडी की डिलीवरी होती है तो वो टाइम उसके लिए बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि लेडी का एक तरह से कहा जाता है कि नया जन्म हुआ है। उसकी बॉडी में बिल्कुल कमज़ोरी आना शुरू हो जाता है और वो अपने आप को हमेशा थका थका महसूस करती है। उसको हमेशा बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आज मैं इस अपनी वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिसे यूज़ कर आप अपनी डिलीवरी के बाद का समय ईजिली निकाल पाएंगे और आपकी रिकवरी भी जल्दी हो पाएगी। सबसे पहले है कि जब आपकी डिलीवरी हो तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने शरीर को ढक कर रखें। अगर आपकी डिलीवरी समर्स में हुई है तो आप अपने आप को कॉटन के कपड़ों के साथ ढक सकते हैं। आप किसी चुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई हल्का सा कपड़ा लेकर आप अपने सिर को बांध सकते हैं या सिर को ढक सकते हैं और अपने पैरों को भी अच्छे से ढक कर रखें। हम ये इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी बॉडी को अच्छे से ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी को हवा नहीं लगती। अगर हम अपनी बॉडी को पहले 40 दिन यानी कि सवा महीना अच्छे से ढक कर रखेंगे तो हमारी बॉडी को जो बाहर की हवा होगी वो नहीं लगेगी। और अगर ये हवा नहीं लगेगी तो हमें इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ को, जैसे कि बैक में प्रॉब्लम, नीज़ में प्रॉब्लम, या फिर उनकी हमेशा गर्दन में दर्द रहता है। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, खासकर सिर दर्द तो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी डिलीवरी के बाद जो 40 दिन का समय होता है या जो सवा महीना होता है, वो अपनी बॉडी को अच्छे से ढक कर नहीं रखते। इसलिए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी डिलीवरी के बाद कम से कम 40 दिन अपने शरीर को अच्छे से ढक कर रखें। इसके अलावा अगर आपके डिलीवरी विंटर्स में हुई है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप गर्म कपड़ों से अपने शरीर को ढक कर रखें, क्योंकि अगर विंटर्स की जो सर्दी है आपको या जो हवा है अगर आपको लग गई तो ये आपके बच्चे पर भी पास हो जाएगी। अगर आप अपने शरीर को सर्दियों में अच्छे से ढक कर रखेंगे तो ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो मैं सेकेंड पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो शायद ही कुछ लेडीज़ को पता होगा, क्योंकि आजकल हम इतने एडवांस हो गए हैं। हम ऐसी फैमिलीज़ में रहते हैं जैसे कि हम न्यूट्रल फैमिलीज़ में रहते हैं और हमारे आसपास कोई बड़े बुज़ुर्ग नहीं होते जो हमें बता सके कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमें ये बातें पता ही नहीं होती। बहुत सी लेडीज़ को ये शिकायत रहती है कि उनको डिलीवरी के बाद फंगल इन्फेक्शन हो गया है या फिर उनको स्किन एलर्जी हो गई है। ये बहुत ही कॉमन बात होती है। तो अगर आप किसी अंगीठी में थोड़ा सा कोयला डालकर या फिर कोई लकड़ी डालकर उसके धुएं में अजवाइन डाल देंगे और उस धुएं से अपने बॉडी को सेक देंगे, तो ऐसा करने से आपको फंगल इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी और इरिटेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा अजवाइन वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। अगर आप अजवाइन को अच्छे से पानी में काढ़ कर उसका पानी पियेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत सी लेडीज़ को शिकायत रहती है कि उनका डिलीवरी के बाद जो स्टमक है वो बाहर आना शुरू हो गया है, उनका बेली फैट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप अजवाइन का पानी अच्छे से काढ़ कर पियेंगे हर रोज़ दिन में 2 बार तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपको बेली फैट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपका जो पेट है वो थोड़े टाइम बाद ही अंदर होना शुरू हो जाएगा। जब हमारी डिलीवरी होती है तब उसके बाद जो हमारा शरीर होता है वो बहुत वीक हो जाता है, हमारे में एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एनर्जी जो हमें शुरू में होती है हम वैसा बिल्कुल महसूस नहीं करते, हमें ऐसे लगता है कि अगर हम खड़े होंगे तो हम फेंट हो जाएंगे। तो अगर आप देसी घी से या फिर ऑलिव ऑयल से पहले 40 दिन या फिर सवा महीना अपने शरीर की अच्छे से मालिश करवाएंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये आपको एनर्जी भी देगा और आपको अच्छे से जल्दी से रिकवर करने में भी बहुत हेल्प करेगा। इसलिए आपको आपकी डिलीवरी के बाद अपने शरीर की मालिश अच्छे से करवानी चाहिए। आप इसके लिए देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल या फिर जो भी ऑयल आपके स्किन को सूट करे उससे अपने शरीर की मालिश करवा सकते हैं। अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में हुई है तो आपको हर रोज़ 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में बहुत एनर्जी होती है और ओमेगा 3 भी होता है और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स का सेवन करेंगे तो इससे हमारा एनर्जी लेवल भी इंक्रीज़ होगा और हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर भी कर पाएगी। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी समर्स में हुई है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन 1 मुट्ठी भर करें। आप समर्स में 3 से 4 बादाम या फिर काजू ले सकते हैं। गुड़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर हम गुड़ को
यूज़ करते हैं, अगर हम गुड़ को कंज्यूम करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहती। और अगर हम गुड़ में थोड़ा सा जीरा मिक्स कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। गुड़ में जीरा मिक्स करने से क्या होगा कि आपका ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बहुत सी लेडीज़ को इस बात की प्रॉब्लम रहती है या इस बात की टेंशन रहती है कि उनके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है या उनका ब्रेस्ट मिल्क आ ही नहीं रहा। तो अगर आप गुड़ में जीरा मिक्स करके उसको कंज्यूम करेंगे तो आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई इंक्रीज़ होगी। आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप डिलीवरी के सवा महीने तक या कम से कम 20 दिनों तक चौकड़ी मारकर ना बैठें। अगर हम चौकड़ी मारकर बैठते हैं तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, और अगर हमें एसिडिटी होगी तो ये एसिडिटी हमारे बेबी को पहुंच जाएगी थ्रू आर ब्रेस्ट मिल्क। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी डिलीवरी के कुछ दिनों तक चौकड़ी मारकर ना बैठ, आप सीधा बैठना ही प्रेफर करें। उसके बाद है, आपको आपकी डिलीवरी के कुछ समय तक देसी घी की पंजीरी या फिर देसी घी के लड्डू कंज्यूम करने चाहिए। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है। अगर हम देसी घी की पंजीरी में अच्छे से ड्राई फ्रूट्स और जो जो इनमें गोंद कतीरा ये सब चीज़ें डलती हैं, अगर हम इनको अच्छे से किसी बड़े से बनवा कर इनको कंज्यूम करेंगे तो ये हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदे देगा। ये हमारी बॉडी को सिर्फ हमारी डिलीवरी के कुछ समय तक ही फ़ायदे नहीं देगा, लेकिन हमारी ओवरऑल जो फ्यूचर में जितनी भी बीमारियां हैं उनको भी रोकेगा। साथ ही साथ डिलीवरी के बाद जो हमारा समय होगा वो अच्छे से निकल सकेगा और हमें हमारा एनर्जी लेवल भी इंक्रीज़ होगा। देसी घी की पंजीरी और लड्डू को कंज्यूम करने से आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो पाएगी और आप अपने पुराने स्टेट में जल्दी से पहुँच पाएंगे। उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है टीवी और मोबाइल फ़ोन्स का यूज़। आजकल हम इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं गैजेट्स के साथ कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे को इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। और ख़ासकर ये डिसएडवांटेजेस एक लेडी को तब बहुत ज़्यादा होते हैं जब उनकी नई नई डिलीवरी हुई होती है, क्योंकि वैसे ही इस समय उनका शरीर कच्चा होता है और अगर ऐसी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी डिलीवरी के बाद मोबाइल फ़ोन्स और टीवी का यूज़ बहुत कम कर दें या बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आइज़ पे स्टेन पड़ेगा और आपको आईसाइट वीक होने की प्रॉब्लम भी रहेगी और आपके सिर में भी दर्द रहना शुरू हो जाएगा। तो ये थे कुछ सिंपल से टिप्स जो आपको आपकी डिलीवरी के बात ध्यान में रखने चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका शरीर जल्दी से इस प्रॉब्लम से रिकवर कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। Till then, stay healthy and stay fit.